गुड मॉर्निंग गाइस, क्या गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग यार, वो दो दिन की ट्रायल में मेरा पूरा नींद का हिसाब बिगड़ गया ना, क्योंकि रात तक वीडियो भी अपलोड करना, ये वो, उस वजह से मेरे को 5-5.5 घंटे ही नींद मिल रही थी। अच्छा हुआ ट्रायल फिनिश, अच्छा हुआ ट्रायल ख़त्म हो गया। इन मज़ा तो आया, बट मेरा पूरा शेड्यूल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, बिकॉज आई एम वर्किंग सिंगल हैंडेडली। तो इस रिलेटेड तो आप लोगों ने ये वीडियो आने से पहले एक वीडियो देखा ही होगा डेफिनेटली। तो फिलहाल तो मेरा आगे का कुछ सेशंस लेने का प्लान है नहीं, सोचूंगी कभी कोई कुछ एडिटर एंड ऑल मिल गया। मेरे को एक मिली थी लेकिन वो फिर कहीं जाना पड़ा उसे, तो इस वजह से कैंसिल हो गया, देखते हैं अब। तो इसलिए मैं आज लेट उठी हूँ, 9:45 उठी हूँ मैं, सोचो। उठी थोड़ा फ्रेश हो गई, मतलब मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया एंड आटा गूंद लिया, क्योंकि अभी एक्सरसाइज और जो है एक्सरसाइज और वॉक वो तो अभी शाम को करूँगी, तो जिस वजह से मैं ऑलरेडी अभी 10:15 हो रहे हैं, उठकर हाफ एन आवर हो गया, तो मेरे को नाश्ता कर लेना चाहिए था अभी तक। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, शाम को अगर मुझे एक्सरसाइज एंड वॉक करना है ना, तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक ही साथ करूँगी, तो हैवी कर लूँगी, जिससे कि मेरा खाना अली भाई, जिससे कि मेरा जो खाना है वो हज़म भी हो जाएगा, और शाम को मैं फिर लाइट वेटली अपना सारा एक्सरसाइज और वॉक भी कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे, बराबर। वार्म वाटर, ये वार्म वाटर पी लेती हूँ और फिर इसके बाद आपसे गप्पे लड़ाती हूँ। आज सुबह मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं गप्पे लड़ा सकती हूँ। आज डे 4 है तो आज लेंगे काफ़ी लेमन ड्रिंक, पहले इसको तो फिनिश कर लूँ। सो डन विथ माई वार्म वाटर, नाउ लेट्स फिनिश दिस कॉफी लेमन ड्रिंक एंड देन मैं तुरंत नहाने जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट में बनाना है यमी सा हैवी ब्रेकफास्ट, जो कि लाइक ब्रेकफास्ट एंड लंच का इक्वलाइज हो, ताकि यू नो मुझे फिर से लंच करने की ज़रूरत ना पड़े। सो इट विल बी माई ब्रंच। चलो मैं नहाने जाती हूँ, ठीक है, आई गेट रेडी वेरी इंसेंस, नहा कर फ्रेश होकर जरा आती हूँ एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग पराठा, है ना। आ मेरा बच्चा, इधर इधर आ मेरा बच्चा, ये वहाँ से नहीं आता तू, थाले थाले कुत्ते कमीने, थाले ए मेरे थाले दे तीचा माँ इला तीचा आज। अरे आना रे, काय को मेरी बेइज्जती करती है रे, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा आज। तो मैं नहाकर आ गई हूँ मस्त फिरेस फिरेस एंड अब हम बनाएंगे पनीर पराठा, ठीक है। तो ये जो पनीर पराठा मैं थोड़ा आज डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ, जो पनीर की फिलिंग है, डोंट वरी, इस पनीर के फिलिंग का वीडियो भी मैं मेरे कुकिंग चैनल पर डालूंगी, क्योंकि इसी टाइम पर ये शूट हो रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, फटाक से करूंगी, जिसमें कि मैं आप लोगों को तो डायरेक्ट इस व्लॉग में डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करते वक्त या फिर पराठा सेकते वक्त दिखूंगी, लेकिन मेरे कुकिंग चैनल पर आपको पनीर का जो अंदर का फिलिंग है, वो पराठे का अंदर का पनीर फिलिंग, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को कुकिंग चैनल पर दिखाऊंगी। तो ये देखो मैंने पनीर एक्चुअली ना दूध फट गया कल, तो जिस वजह से पनीर उसका बना लिया मैंने मस्त, एकदम घर पर ही पनीर रेडी। ये रहा मेरा ब्रंच गाइस, पनीर द पराठा, बहुत ही सिंपल वे में, प्लीज को खाते अब दही के साथ। गजब गजब, एक हैवी मील के लिए ये पराठा इज द परफेक्ट 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 आइटम, परफेक्ट डिश डेफिनेटली, क्योंकि मुझे शाम को 5-6 बजे वर्कआउट एंड वॉक करना है इस वजह से, और मैं लेट उठी तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो लंच हो गया। नाउ इट इज 12:00, सी। तो अभी ये सेकेंड जो हमारा निवाला है उसको लेते हैं, मेरा फेवरेट मिर्ची के ठेचे के साथ, जो कि मैंने कल बनाए थे, आप लोगों ने देखा मैं बहुत ज़्यादा बनाकर रखती हूँ ठेचा, क्योंकि ना लगता है। चलो अभी ठेचे के साथ खाते हैं।
आई जस्ट लव इट आई कैन नॉट हेल्प इट यू नो हेल्दी टेस्टी वाला. चलो देन टेडियंस मैं इसे खत्म कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में. ओके मजा आ गया. चलो गाइस डन विथ माई वॉकिंग, अब करते हैं ट्विस्टर. एंड आप लोगों को तो पता है कि मुझे शाम को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरी मजबूरी है क्योंकि सुबह मैं लेट उठी थी, तो जिस वजह से. तो अभी करते हैं ट्विस्टर. एंड आज मैं सिर्फ और सिर्फ योगा मैट वाले एक्सरसाइजेस करूँगी, ठीक है, वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रा और प्रेशर वाले, क्योंकि दो दिन में मैंने कल योगा मैट वाली एक्सरसाइजेज मेरी कल सेशंस में भी नहीं हुई थी, तो इस वजह से, क्योंकि 45 मिनट्स का हमारा वैसे ही सेशन ऑलमोस्ट पहुंच गया था सवा एक घंटे का, तो योगा मैट का हमें टाइम नहीं मिला. चलो कोई नहीं, लेट्स डू दिस ट्विस्टर. ओके, सो देयर वाज वन गर्ल, उन्होंने पर्सनल मैसेज किया, शी वाज हैविंग सम डिफिकल्टीज विद ट्विस्टर, एज इन उनको यहाँ पर या यहाँ पर. तो डावा मीन्स विच साइड, एक्चुअली माई मराठी इज ऑल्सो लिटिल बिट वीक बींग अ महाराष्ट्रियन गर्ल, तो उनको यहाँ पर ऐसा पेन हो रहा था, तो वो तो मुझे ही एकदम सेम ऐसा देखकर कर रहे, तो पता नहीं क्यों. आई वुड से कि थोड़ा सा स्लो जाओ, जैसे ये न्यू है ना अपने लिए, तो एकदम झटका देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा स्लो जाओ, रिलैक्स जाओ, एक बार हैबिट हो जाए उस चीज़ की, इस इक्विपमेंट की, ठीक है, तब जाकर आगे थोड़ी स्पीड बनाना, ऐसा एकदम झटका मत देना. एंड प्रॉपरली किसी भी चीज़ को पकड़ कर करो, ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि भाई प्रॉपरली किसी चीज़ को पकड़ कर करे तो बेटर है, अच्छा रिजल्ट आएगा. चलो, एंड हमें अपर बॉडी को नहीं हिलाना है, सिर्फ नीचे की बॉडी जो हमारी है यहाँ से डाउन, ओनली दैट मच वी हैव टू मूव. मैं कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ जिससे कि मुझे ऐसा कुछ पकड़ने को मिले, फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है. गर्दन भी नहीं हिलानी है, जो ऐसे ऐसे हम करते हैं ना वैसा नहीं, एकदम स्ट्रेट. एक लड़की ने मुझे एग्जाम्पल करके बताया था. ले, मैं फिर से टाइमर लगाना भूल गई फ़ोन में. चलो आप लोग की स्क्रीन पर तो टाइमर होगा ही, मैं लगाऊंगी, डोंट वरी. थोड़ा सा नीज बेंड करते हैं यार, इस टेबल को भी ढंग से पकड़ने के लिए नहीं है कुछ.
देखो मेरी सिर्फ डाउन बॉडी मूवमेंट हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा चेस्ट भी मूव ना हो, बट अभी हैवी है ना बॉडी, तो इस वजह से स्टार्टिंग में मुश्किल है, बट आगे आगे हो जाएगा, नो वरीज। चलो गाइस, गुड गुड, गो ऑन। वी कैन डू इट, है ना? वी आर अनस्टॉपेबल। मुझे यहाँ पर और यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कुछ हलचल हो रही है, तो कौन से मसल पर क्या असर पड़ रहा है ये पता चल रहा है। थोड़ा सा नीज बेंड, तो गाइज मेरा पीरियड्स अभी तक नहीं रुका है, इट्स डे 10। इरिटेट हो रहा है ना इतना। उसी मैंने 12:15 बजे 12:30 तक मेरा वो ब्रंच हो गया था, तो बहुत अच्छा गैप पड़ा है एक्चुअली वर्कआउट्स और इसके बीच में, लंच के बीच में। आई 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 मार गया। चालू रखो आप लोग। आई चावा रे, आई मीन काटा रे। मेरे काफ में भी बहुत अच्छी हलचल हो रही है। बस बहुत दिनों बाद किया ना, डे वन के बाद डायरेक्टली आज किया। डे वन को किया था क्या मैंने, याद नहीं। चलो, तो मुझे किसी ने पूछा था कि दी आप सूर्य नमस्कार भी करना एकदम बंद कर दिए। बंद नहीं किया बाबा, देख लो आज पीरियड्स का डे 10 है और मेरा पीरियड्स अभी भी चल रहा है, और पीरियड्स में सूर्य नमस्कार करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर रही पीरियड्स में। एक बार ये ख़त्म हो जाए, ये कोई ऐसा मेरे लिए ऐसा पीरियड 10-10, 12-12 दिन आना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मेरा रिपोर्ट सारे क्लियर है, लेकिन मुझे जेनेटिक है। मेरे मम्मी और मेरी नानी दोनों को ये प्रॉब्लम था, मम्मी को तो पीरियड्स आता ही नहीं था और नानी को बहुत आता था, तो इसलिए इट इज़ जेनेटिक। मेरे सब कुछ क्लियर है मेडिकल वगैरह, तो मुझे तो आदत हो गई है ऐसा, बट वो अनकम्फर्टेबलनेस रहता ही है ना पैड एंड ऑल का, दैट्स वाई। इसलिए सूर्य नमस्कार मैं अभी फिलहाल नहीं कर रही जब तक ये पीरियड्स खत्म ना हो जाए। जब पीरियड्स खत्म हो जाए तो 10 सूर्य नमस्कार से शुरू करूंगी मैं, याद दिलाना मुझे। चलो ट्विस्टर हो गया, अब अपना योगा मैट वाला एक्सरसाइजेस करते हैं। पहले तो अपना प्रॉपर ऐसे बैठ जाओ जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। चलो ऐसे बैठते बैठते ना हम थोड़ा चिन का एक्सरसाइज कर लेते, ठीक है? बैक स्ट्रेट, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,
17 18 18 19 19 20 20 good. चलो नेक्स्ट. नीज में कुछ दुख रहा है. पता नहीं, मैं नीज रख रही हूँ इस पर, तो ये वाला उसमें ना ऐसा चुभ रहा है, कुछ तो चुभ रहा है, तो इसलिए मैं नीज वाला एक्सरसाइज नहीं करूँगी भाई साहब. पहले एक्सरसाइज एंड ऑल करने के बाद चेक करती हूँ क्या है माजरा, क्योंकि एकदम वो क्या बोलते हैं ना, कोई पिन मार रहा है तो कैसे चुभता है, वैसे वाला चुभ रहा है. नॉट एवरीवेयर, जस्ट हियर, इधर ही, भगवान जाने. चलो हम अपने आगे के करते हैं. आगे के क्या शुरू ही नहीं हुआ अब तक, क्या आगे के. आई हेट इवनिंग एक्सरसाइजेज यार. चलो नींद का तो कोटा पूरा हुआ है, तो कल सुबह हो जाएगा मस्त. ओके अब 3 2 1 गो. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 3 2 1 go. 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. ओके ये हो गया थोड़ा स्ट्रेचिंग. हाँ आज मैं थोड़ा न्यू ट्राई करूँगी डंबल्स के साथ. डोंट वरी मुँह पर नहीं गिरेगा. ओके जो मैं खड़े होकर करती हूँ ना वही बेसिकली लेट कर करूँगी, जिससे क्या होगा मेरे हाथों का भी वो कंटिन्यू रहेगा. ओके एंड इसको ऐसे हैं. And 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. वाओ भारी. हाँ और कर सकती हूँ मैं, चलो करते हैं थोड़ा और. 3 2 1 गो. 21 22 23 24 25
3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ऐसे स्लीपिंग बटरफ्लाई एंड 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. चलो एक दूसरा ट्राई करते हैं अब. हैंड स्ट्रेट, ठीक है हाँ. एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आ जाओ अपनी दीवार के यहाँ मस्त एकदम अपना बम बम चिकी चिकी बम वॉल को स्टिक कर लो, ठीक है. ये देखो मैं दिख रही हूँ ना, गुड जॉब. ओके थोड़ा और आगे. परफेक्ट यानो, ठीक है. अब लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट. हाँ हैंड्स ऐसे नीचे रख लो या फिर ऐसे, कोई वांदा नहीं, ठीक है. अब वॉल से दूर पैर ले जाना है ऐसे हवा में. एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हाँ आप लोगों से और होगा तो और कर लो. हाँ ये बेली एक्सरसाइज है एक्चुअली, ठीक है. उसके बाद क्रॉस फायर, क्रॉस 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20. Guys, make sure आप इसके 5 सेट्स करो या फिर 1 मिनट तक करो. 20 काउंट्स, दो ही ऑप्शंस है, ठीक है. 20 काउंट्स में 5 सेट्स यानी कि 100 काउंट्स विद 5-5 सेकंड्स ब्रेक. एंड दूसरा ऑप्शन है ईच एक्सरसाइज 1 मिनट, ठीक है.
पहला ऑप्शन है ईच एक्सरसाइज 20 काउंट्स इनटू 5 यानी कि 100 काउंट्स, एंड दूसरा ऑप्शन है 1 मिनट ईच एक्सरसाइज। ओके चलो अब नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बस और नहीं हो रहा, 15 आई गा। शाम के टाइम एक्सरसाइज में बहुत कंटाला आता है रे बाबा रे, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा अब। हाँ परफेक्ट, अब फीट्स को अपने इस लेवल पर लिख कर आओ, नीज के लेवल पर या थोड़ा उससे ऊपर, ठीक है। अब ये जो अपना बेली है, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू शो, ये जो अपना बेली है, हिप और लोअर बैक, इसे उठाना है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा और पीछे जाना पड़े, जाओ, एंड 3 2 1 गो, 1 2 गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ हो, मज़ा आ गया, यही एक एक्सरसाइज में मज़ा आया बस। चलो मैं मेरा एक्सरसाइज बंद कर रही हूँ, ठीक है। 5 मिनट ट्विस्टर भी तो हुआ ना, हाँ 5 मिनट हुआ ना, बाकी कल की सुबह करूँगी। वॉक हो गया 45 मिनट्स का, 7:30 बज गए यार, फिर भी इतना उजाला है, बारिश आ जा रे। वन टू थ्री, चलो भाई बस हो गया। मेरे को घुटने में भी देखना पड़ेगा क्या हुआ है, इसको निकाल कर, कभी कभार है ना ऐसे पैर में इधर स्कूबी के बाल ऐसे चुभ जाते हैं, को निकालना पड़ता है प्लकर से। चलो नहाने का हुआ, सुबह नहा चुकी हूँ, मैं जाती हूँ फ्रेश फ्रेश होती हूँ, ज़रा ठंडा पानी लेती हूँ, एक्चुअली बदन पर नहाना ज़रूरी है वैसे भी। सो गाइज, एट लास्ट मैंने वो ड्राई फ्रूट पाउडर बना लिया, डोंट वरी, मैंने उसे शूट भी कर लिया है तो आप लोग को मैं दिखा दूंगी। एंड आज मुझे ये पाउडर बनाना था तो इसे दूध के साथ लेना था, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू लाइक बोलते हैं ना एक प्रॉपर मील के जितना इसमें सब कुछ है, तो इस वजह से मैं और कुछ खाना नहीं चाहती थी। तो थोड़ा सा कैसा टेस्ट है पता है वो पाउडर का, जैसे मैंने ठंडाई बनाई थी ना वैसा टेस्ट है। ओह माय गॉड, तो ये दूध थोड़ा सा नॉर्मल वार्म है एकदम। बहुत आप लोगों को प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट शेक्स खाने की इतनी इच्छा होती है ना, कोई भी आप लोग को उल्लू बना देता है। मैं ये जब रेसिपी डालूंगी ना इसकी, तब देखना ये पाउडर बनाओ, घर पर बनाओ, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फुल ऑन प्रोटीन, फुल ऑन न्यूट्रिशन, फुल ऑन टेस्ट अपॉन दैट, कसम से बोल रहा हूँ मैं, गजब है ये, गजब तहलका है एक्चुअली, मस्त सुपर। बिट हैवी भी लगता है यार, सब एकदम अपना ओरिजिनल ड्राई फ्रूट और कुछ नहीं, सोचो बेस्ट एकदम। अंजीर है और शक्कर बिल्कुल भी नहीं है, शक्कर बिल्कुल भी नहीं है, मैंने वो गोल्डन ब्राउन वाली मिश्री यूज किया और वो भी जानबूझकर यूज की, आप नहीं करोगे तो भी बेटर है, स्वीटनेस रहेगा क्योंकि अंजीर है।
दासू है यार, मजा आ गया, बहुत ही यमी था, बहुत ही यमी, क्या बताऊं यार, बहुत सही इन्वेंशन कर रही हूँ मैं, बहुत सही। चलिए देन गाइस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल। और मेरी एपीजे अब्दुल कलाम वाली बुक खत्म हो गई, मेरे पास दूसरी बुक है नहीं, और अपॉन दैट भगवत गीता और रामचरितमानस जो है, तो मैं अभी भी पीरियड्स में हूँ, मेरा डे 10 चल रहा है, 10 तारीख है ना, हाँ डे 10 चल रहा है, तो मैं उसे हाथ नहीं लगा पा रही हूँ। बाकी देखते हैं, मैं कल देखती हूँ कोई लाइब्रेरी इधर नजदीक इधर हो तो वहां से बुक लेने का, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट, और नई नई चीजें बनाओ, घर पर खाओ, क्या जरूरत है बाहर का कुछ लेने की। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।